नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस पे। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 का आखिरी लीग मैच इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने ड्रीम इलेवन लेके? क्या फिर से हम ट्राई करेंगे इस बार अपने सपनों की इलेवन से 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली आपको दो टीम बताएंगे, एक जो कि ग्रैंड लीग यानी मेगा कॉन्टेस्ट के लिए आप चूज करने वाले हैं, और दूसरी जो सेफ साइड के लिए शॉर्ट कॉन्टेस्ट जो आप 3 या 4 लोगों में या 10-15 लोगों में खेलेंगे, जिसमें आपकी विनिंग गारंटेड होगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं किस अकॉर्डिंग एनालिसिस करके हम फाइनली ये टीम बनाते हैं। दोस्तों, प्लेयर बाय प्लेयर थोड़ी चर्चा भी करेंगे और बनाएंगे अपनी ड्रीम इलेवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का मैच इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले के 3 मैचेस जो कि इस वर्ल्ड कप में शेड्यूल थे मेलबोर्न MCG में, वो बारिश की वजह से धुल गए। इसके अलावा आयरलैंड और इंग्लैंड का एक मैच हुआ था, जिसमें भी बारिश जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर रही। हालांकि डकवर्थ लुईस सिस्टम से आयरलैंड इंग्लैंड जैसी स्ट्रांग टीम को हरा दिया, परंतु दोस्तों वो मैच में भी बारिश जो है फाइनली अपना प्रेजेंस उन्होंने जताई दी। इंडिया पाकिस्तान मैच सबसे मेमोरेबल मैच इस T20 वर्ल्ड कप का, दोस्तों उसमें भी बारिश की आशंका थी, परंतु थैंकफुली वो मैच हमें पूरा देखने को मिला। एंड वन एंड ओनली द ग्रेटनेस ऑफ विराट कोहली वी विटनेस्ड, उसकी वजह से फाइनली वो मैच, उसमें कोई और नहीं था दोस्तों, सिर्फ विराट कोहली था और वो मैच कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर बात करते हैं लास्ट 2 मैचेस जो कि इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे, उसके एनालिसिस की बात करें, दोस्तों बैटिंग फर्स्ट मैच में 160 बनाए थे पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और सेकेंड मैच में 157 बनाए थे आयरलैंड ने। तो मोर और लेस हम ही कह सकते हैं दोस्तों, ये पिच जो है बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को ही फेवरेबल है। मोस्टली ये जो है इक्वल आपको क्राइटेरिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, चाहे आप बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। और इस पिच में दोस्तों थोड़ा बाउंस ज्यादा रहता है, ऐसा जो जिस तरीके विकेट्स भी गिरे हैं उसमें देखा गया है, यानी कि थोड़ा बाउंसी पिच है। तो हमारे सिलेक्शन को स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर की तरफ कंसंट्रेटेड करेंगे। दोस्तों, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होने की वजह से और बाउंड्रीज भी इसकी ज्यादा बड़ी हैं, तो डीप में कैच आउट होते हैं, तो उसके लिए आप स्पिनर भी 1 या 2 पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, बॉलर्स को थोड़ा सा हैवी रखते हुए, आइए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी और हमारी ड्रीम इलेवन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चूज कर लेते हैं इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे मैच, और सबसे पहले मैं आपको ग्रैंड लीग टीम के बारे में बता दूं। दोस्तों, विकेट कीपर में फ्रेंड्स हम लेंगे रेगिस चकाबा को, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत खेलेंगे नहीं, और दिनेश कार्तिक को मुझे लगता है एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, परंतु लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आते हैं, बहुत ज्यादा बॉलें खेलने को नहीं मिलती, इस वजह से हमारा फर्स्ट सिलेक्शन विकेट कीपर में हो जाएगा दोस्तों रेगिस चकाबा। अब बैटिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो लोकेश राहुल को आप ले लीजिए, अच्छी फॉर्म में लास्ट मैच में लौट आए हैं, इस मैच में भी अच्छे रन बनाने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों रोहित शर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, काफी टाइम से उनका बल्ला खाम रहा है, तो इस मैच में चांसेस हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। इसके अलावा दोस्तों जिम्बाब्वे की साइड से आप ले लीजिए क्रेग इरविन को और सूर्य कुमार यादव, दोस्तों बेस्ट हिटर है दोस्तों इस पर्टिकुलर ग्राउंड के लिए भी उन अच्छे हैं, और उनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है, वो हिट करके खेलते हैं दोस्तों, वो जितने भी रन बनाएंगे बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। तो ये हमारे 4 बैट्समैन हो गए। स्ट्रेंजफुली मैंने इसमें विराट कोहली का नाम नहीं रखा है दोस्तों, क्योंकि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, विराट कोहली 91-92% लोगों ने विराट कोहली को ऑप्ट किया होगा दोस्तों, पर एक फेलियर विराट कोहली का भी इस मैच में आ सकता है, क्योंकि लास्ट 4 मैचों से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस भी कहते हैं कि विराट कोहली इस मैच में शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो जाए एक्स्ट्रा रन स्कोर करने के चक्कर में। तो दोस्तों विराट कोहली को मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूं। नेक्स्ट दोस्तों ऑलराउंडर की बात करें दोस्तों, सिकंदर रजा को आप पिक कर लीजिए, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग में डेफिनेटली ये जिम्बाब्वे के मिडिल ऑर्डर की एक मजबूत नींव है दोस्तों। नेक्स्ट आप हार्दिक पांड्या को ले लीजिए, क्योंकि बॉलिंग में आपको विकेट दिलाएंगे, और हार्दिक पांड्या ने भी अभी तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं की है, तो वो उनकी ड्यू है, वो क्या पता इसी मैच के लिए बचा के रखी उन्होंने। नेक्स्ट दोस्तों बॉलिंग में हम बात करें तो मोहम्मद शमी को ले लीजिए, अच्छी बॉलिंग डालते हैं दोस्तों, सीम पे बॉल पटकते हैं, अच्छा बाउंस मिलता है, विकेट मिलने के पूरे चांसेस हैं। अर्शदीप सिंह को ले लीजिए, स्टार्टिंग में स्विंग डालते हैं और लास्ट में यॉर्कर, इनसे बेस्ट शायद ही कोई डालता होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों भुवनेश्वर कुमार भी इंपॉर्टेंट पिक है दोस्तों इस पर्टिकुलर ग्राउंड के लिए, फास्ट बॉलिंग ग्राउंड है, भुवनेश्वर कुमार को बिल्कुल पिक कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे को जिम्बाब्वे का भी एक प्लेयर लेना है दोस्तों, तो ब्लेसिंग मुजराबानी को आप ले लीजिए, अच्छी हाइट से बॉल डालते हैं, बाउंस इन्हें भी मिलने वाला है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी ड्रीम इलेवन। अब बात आती है कैप्टन चूज करने की एंड वाइस कैप्टन की, तो दोस्तों कैप्टन इस बार मैं बनाने वाला हूं मोहम्मद शमी को।
तो दोस्तों अभी तक मोहम्मद शमी की वो जो स्पेशल परफॉर्मेंस है वो बाकी है इस वर्ल्ड कप में, तो वो शायद हमारे इसी मैच के लिए वेट कर रही है। तो दोस्तों मोहम्मद शमी को कैप्टन बना लीजिए, अगर ये 3 से 4 विकेट ले गए स्टार्टिंग में या एंडिंग में तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों वाइस कैप्टन में बनाने वाला हूं अगेन एक और फास्ट बॉलर को, अर्शदीप सिंह नहीं दोस्तों, इस बार भुवनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट लेने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। तो ये हो गए हमारी ड्रीम इलेवन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेगिस चकाबा हो गए विकेट कीपर, बैट्समैन में राहुल, रोहित शर्मा, क्रेग इरविन और सूर्य कुमार यादव। इंपॉर्टेंट टू नोट, विराट कोहली नहीं लिया है मैंने टीम में। नेक्स्ट ऑलराउंडर में सिकंदर रजा, हार्दिक पांड्या और बॉलर्स में मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार एंड ब्लेसिंग मुजरापानी। दोस्तों कैप्टन मैंने बनाया है मोहम्मद शमी को और वाइस कैप्टन है मेरे भुवनेश्वर कुमार। ये है हमारी ग्रैंड लीग की एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पेशल टीम। नेक्स्ट दोस्तों सेफ टीम भी हम बनाते हैं शॉर्ट कॉन्टेस्ट के लिए या फिर जिसमें नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स आपके कम होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर की, रेकिस चकापा आप ले लीजिए। अगेन सेम रीजन है दोस्तों कि ऋषभ पंत खेलेंगे नहीं और दिनेश कार्तिक जो है लोअर डाउन द ऑर्डर खेलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बैटिंग में आप जिम्बाब्वे से ले लीजिए क्रेग इरविन को, अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों, आपको अच्छे पॉइंट दिला सकते हैं। विराट कोहली जो कि रियली फेल होते हैं दोस्तों, इस मैच में भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेलेंगे, तो विराट कोहली का आप ले सकते हैं। नेक्स्ट सूर्य कुमार यादव दोस्तों बहुत गजब के हिटर है, आप सूर्य कुमार यादव को ले लीजिए। एंड रोहित शर्मा दोस्तों हो सकता है इस मैच में आपकी ये सबसे यूनिक और इम्पोर्टेंट पिक हो, रोहित शर्मा। नेक्स्ट दोस्तों हम ऑलराउंडर की बात करें तो आप इसमें ले लीजिए सिकंदर रजा को, क्योंकि बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग में भी रन बना सकते हैं, और हार्दिक पांड्या दोस्तों दोनों ही ऑलराउंडर गजब के हैं, तो इन दोनों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉलिंग में दोस्तों हम बात करते हैं मोहम्मद शमी को आप ले लीजिए, जिम्बाब्वे की साइड से ब्लेसिंग मुजराबानी को आप ले लीजिए, इसके अलावा दोस्तों अर्शदीप सिंह को हम ले लेंगे और भुवनेश्वर कुमार को भी सेलेक्ट करेंगे। चारों मैंने फास्ट बॉलर लिए दोस्तों, क्योंकि इस पिच पे जो है बाउंस ज्यादा मिलेगा, लंबी लंबी हाइट के बॉलर हैं, काफी अच्छे पेस से बॉल डालते हैं, तो विकेट मिलने के चांसेस है। तो ये सारे हमारे हो गए दोस्तों बॉलर्स। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्टन की, तो दोस्तों इस बार हम बनाते हैं कैप्टन हमारे इंडियन टीम के कैप्टन यानी कि रोहित शर्मा को। दोस्तों काफी टाइम से उनसे एक इंपॉर्टेंट इनिंग, एक मैच विनिंग पारी की जो है उम्मीद है और वो काफी मिसिंग है। हो सकता है सेमीफाइनल और फाइनल को जाने से पहले यही मैच हो जिसमें वो अपनी फॉर्म में वापसी करें। तो दोस्तों रोहित शर्मा को बना दीजिए कैप्टन और दोस्तों वाइस कैप्टन आप बना दीजिए अर्शदीप सिंह। दोस्तों ये बिल्कुल सेफ टीम है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं इस टीम से डेफिनेटली आप जिस भी कंटेस्ट में आप ट्राई करेंगे आपको कुछ ना कुछ विनिंग अमाउंट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये है आपकी सेफ टीम, इन दोनों टीमों को बना के दोस्तों आप और हम आइए बैठ जाते हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच का लुत्फ उठाते हैं और इस संडे को एंजॉय करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके बाद इंडिया की मुलाकात जो है सेमीफाइनल में ही होगी। आज का मैच जीत के इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के लिए तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।